तो गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल हीटिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन और आपको रेजिस्टेंस हीटिंग कंप्लीट करा दिया था, और लास्ट में पढ़ाया था क्यों फेलियर होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट में, तो मैंने वो भी कंप्लीट करा दिया था। आज स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं रेजिस्टेंस फर्नेस में। तो गाइज, हम थ्री मेथड के थ्रू टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय अप्लाइड वोल्टेज टू एलिमेंट और करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। मतलब हम वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट हीट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर आर टी। अगर मैं यहां पर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं, तो हीट को मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। ओके गाइज, इसी तरीके से ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज और डिक्रीजिंग वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स हम इस प्रोसेस को, हीट को क्या कर सकते हैं गाइज, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक डियर, तो आगे बढ़ता हूं मैं आपको बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। देखिए फॉर्मूले में रेजिस्टेंस भी है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करके हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी मतलब सिर्फ इतना है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल चेंज। ओके गाइस, सीरीज में आपका क्या, और या सीरीज पैरेलल भी हम यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग दीज कॉम्बिनेशन वी वेरी द टेम्परेचर और कंट्रोल द टेम्परेचर। दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ ऑन और ऑफ, यानी हम ड्यूटी साइकिल को भी चेंज करके क्या कर सकते हैं, वोल्टेज 5 मिनट के लिए अप्लाई करा फिर ऑफ कर दिया, उससे भी हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं गाइस, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट मेथड, प्लीज कीप इन योर माइंड, इन्हें आपको अपने माइंड के अंदर रखना है अच्छे से। ठीक है, सो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, जहां पे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, तो प्लीज आप उन्हें अपने नोट्स में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज मैं बात करूंगा बेटा आपके साथ आर्क हीटिंग। व्हाट इज आर्क हीटिंग, आर्क हीटिंग क्या है, मैं आपके साथ आज ये डिस्कस करूंगा। कल भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था बेटा, हीट को प्रोड्यूस कराने का इससे पहले जो मेथड पढ़ा हमने वो रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ा था, आज पढ़ेंगे हम डायरेक्ट आर्क हीटिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं गाइस, यहां पे मान लीजिए मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मिड में मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, आर्क प्रोड्यूस करूंगा, और उस आर्क को से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो चार्ज में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि स्ट्राइक आर्क जो है, स्ट्राइक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड चार्ज इटसेल्फ। तो डायरेक्ट वाले में क्या होगा, ये चार्ज है ये इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच में यानी चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क। ओके गाइस, इस पॉइंट को प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, मान लीजिए ये चार्ज है ये इलेक्ट्रोड है, तो इनके बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क, और इस आर्क से हीट को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, तो हीट एनर्जी ऑफ आर्क इज एब्जॉर्ब बाय द चार्ज और हीटिंग हमारी क्या होगी, डन होगी। नेक्स्ट है बेटा इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है बेटा, आपका जो चार्ज होगा, आप ऐसे रख लीजिए चार्ज ये है आपका, ठीक है गाइस, और आपका इलेक्ट्रोड ये है, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा और विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन वो ट्रांसफर होगा, कहां, चार्ज पे हीट। तो ये मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, पिक्चर के थ्रू क्लियर कराऊंगा, मैं जानता हूं अभी ऐसे बताने से आपको चीज क्लियर नहीं हुई होगी, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा गाइस, जो आर्क होता है इसमें क्या होगा, स्ट्राइक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बस इतना डिफरेंस है। उसमें क्या था कि जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में तब डायरेक्ट है, और जब बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है जो आर्क प्रोड्यूस होगा तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग कहलाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग को देखते हैं।
सो गाइज यहां पर मैंने आपके लिए पहले से डायग्राम बना दिया है, एक मिनट गाइज, डायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो गाइज डायरेक्ट आर्क हीटिंग के लिए आपको अपने माइंड के अंदर क्या रखना है, सबसे पहले ये क्या है हमारे इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि आपको यहां दिख ही रहा है, ये क्या है मेरा चार्ज, अब ये वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड और वेदर इट इज गैस, ठीक है, चार्ज कुछ भी हो सकता है यहां, सप्लाई एसी और डीसी, ठीक है। और देखिए आप खुद देखिए ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड चार्ज, ठीक है, दिस इज अवर आर्क, ठीक गाइस। तो यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा इसे डायरेक्ट हीटिंग बोला। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम कितने टाइप के यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स वो इंपॉर्टेंट है। सो गाइस वी यूज्ड कार्बन इलेक्ट्रोड, इनके बारे में आपको बस पता होना चाहिए, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड, ओके गाइस, सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक गाइस। तो ये जो है ये तीन टाइप के इलेक्ट्रोड्स मैं यूज करता हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आपको याद रखना है, sometime it will be asked in exam which type of electrode be preferred in direct arc heating, बस इतना पूछेगा तो आप बोलेंगे graphite electrode, ठीक है, ये point important है, इसे याद रखिएगा। Next है, अगर DC supply use करते हैं हम तो we used two electrodes, for एसी सप्लाई ऑल्सो यूज्ड टू इलेक्ट्रोड्स, फॉर थ्री फेज सप्लाई वी यूज्ड थ्री इलेक्ट्रोड्स, ओके गाइज। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जो बातें हैं वो समझना बहुत जरूरी है, क्या कि देखिए बेटा जब इसमें हीटिंग हो रही है तो यहां पर ये जो करंट है ये करंट आएगा इलेक्ट्रोड में, यहां पर आर्क प्रोड्यूस्ड होगा और इस आर्क से जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगी किसे, चार्ज को, ठीक है, ओके गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर जो आपको याद रखना है, there is a stirring action due to electromagnetic force, ठीक है, electromagnetic force, ठीक गाइस, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हमारा यहां पर क्या होता है, स्टायरिंग एक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। होता क्या है, ये जो आपका स्टायरिंग का मतलब है किसी चीज को घोलना, तो जब इसमें करंट प्रोड्यूस फ्लो होता है तो चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जो चार्ज है हमारा वो क्या होने लगता है, जैसे हम घोलते हैं किसी चीज को तो इसी तरीके से बिहेव करने लगता है। तो इसका जो यूज करते हैं हम इस मेथड का, ये पॉइंट याद रखना बेटा, स्टायरिंग एक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉय स्टील, वी यूज दिस मेथड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉय स्टील, ठीक गाइस। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है बेटा प्योर प्रोडक्ट इससे मिलता है हमें, प्योर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड
ठीक। सेकंड है सिंपल एंड इजी टू कंट्रोल, एप्लीकेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं आपके लिए कहां कहां पर इसका यूज करते हैं मेथड का। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला स्टील, ठीक है, अलॉय स्टील, एंड ग्रे आयरन कास्टिंग, ग्रे आयरन कास्टिंग। तो प्लीज गाइस इन थ्री पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। इट इज मोर देन इनफ, बस इतना याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में से जो करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा, वो आर्क प्रोड्यूस करेगा चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में, और ये आर्क हीट डेवलप करेगा जो ट्रांसफर होगी चार्ज को। दैट्स इट। मूव करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस दिस इज अवर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। ये क्या है गाइस? इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं बेटा। जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो ब्रिंग, वो पास में लेके आए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है गाइस, ये हमारे क्या है, यहां इलेक्ट्रोड्स हैं और ये हॉरिजेंटली एक्सिस के पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे करके पास में आएंगे, दे विल टच एंड ड्रॉबैक, मतलब इस तरीके से पास में आएंगे और ड्रॉबैक। तो क्या होगा, इनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगा जो आप यहां पिक में भी देख रहे हैं, पिक्चर में यहां पर ये आर्क दिख रहा है आपको, यहां पे ये आर्क प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो आर्क, ये जो हीट ट्रांसफर करेगा, इस चार्ज को, ठीक है, देखिए यहां पर लिखा भी है हीट ट्रांसफर जो चार्ज को करेगा बेटा, इट विल बी डन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्शन मोड और रेडिएशन मोड। ओके गाइज, तो प्लीज इस बात का माइंड में ध्यान रखना कि इसके अंदर ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स हमारे पास में आ रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। पहले स्ट्राइक, देन गेट बैक, स्ट्राइक, ड्रॉबैक। तो इससे क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, और वो जो आर्क प्रोड्यूस हुआ बेटा, वो आर्क जो हीट ट्रांसफर करेगा चार्ज को, बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन मोड से करेगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसे प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। दूसरी बात, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है, अगर आप नए हैं, नहीं पढ़ा तो मैंने पहले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, ठीक गाइस। तो मूव ऑन करते हैं आगे। इस फर्नेस का एक और नाम है रॉकिंग आर्क फर्नेस। ओके गाइस, क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हॉरिजेंटल प्लेट के पैरेलल में, देखिए ये हमारी अगर हॉरिजेंटल एक्सेस है तो इसके पैरेलल में ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसे रॉकिंग आर्क फर्नेस भी हम कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है, नॉन फेरस मेटल। तो प्लीज गाइस मैं इसे ब्लैक कलर से अंडरलाइन करता हूं, नॉन फेरस मेटल। तो अगर आपसे पूछे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज हम क्यों करते हैं,
तो आप बोलेंगे सर इट इज यूज्ड फॉर नॉन फेरस मेटल, यानी आयरन फाउंड्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका एप्लीकेशन तो मैं बता चुका हूं कहां पे, इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा और काफी मुझे लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप पूरी क्रिएटिक्स टीम, मुझे नहीं पूरी क्रिएटिक्स टीम के एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं अकेला ही नहीं हूं, सारा का सारा पूरी टीम है हमारी। एडवांटेज, सबसे पहला क्या बेटा, लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकंड है बेटा मेटल लॉस आर लॉ, एंड थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन। सो गाइज वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा एडवांटेजेस को याद रखने की नो नीड, बट फिर भी अगर आप मान लीजिए फाइनल सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं है, तो मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन कर दिए। कभी कभार हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं है, आगे हो सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज, नो स्टायरिंग एक्शन टेक प्लेस, तो इसमें चार्ज में क्या नहीं हो पाता, स्टायरिंग एक्शन नहीं प्रोड्यूस हो पाता। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जैसा उसके अंदर हो रहा था डायरेक्ट आर्क फर्नेस में, इट इज मोर देन इनफ। याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करे, इन्हें जरूर याद रखना बेटा, दैट्स इट। बाकी कुछ आप याद रखो मत रखो, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मोड एंड यूज फॉर नॉन फेरस मेटल। ओके गाइस, आगे बढ़े, चलते हैं अपना आगे। देखिए बेटा ये वाली जो है, आप देखो दिस इज, मैंने आपको बिल्कुल पिक दिखाया है जिससे आपका कंफ्यूजन जो है वो एंड हो जाए। तो देखो बेटा ये वाला जो है, ये है डायरेक्ट आर्क हीटिंग, ये वाला क्या है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो आप देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है गाइस, और यहां पर ये चार्ज है नीचे, और देखिए यहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है आर्क। ओके, आप देखिए यहां पर भी यही है, ये क्या है बेटा चार्ज, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और देखिए ये आर्क प्रोड्यूस हुआ व्हेन दे क्लोज टुगेदर। ओके, सो आई होप यू विल गेट द, मतलब आपको पता चल गया होगा क्या डायरेक्ट आर्क हीटिंग है और क्या इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है। तो आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन हीटिंग। सो गाइस इंडक्शन हीटिंग में क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मेटल प्लेट को रखते हैं तो ड्यू टू द एडी करंट वो उसे क्या करते हैं, हीट कर देता है मेटल को। ठीक, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर टू टाइप ऑफ इंडक्शन फर्नेस, पहला क्या है आपका कोर टाइप, दूसरा क्या है कोर लेस टाइप। तो ये आपको याद रखना है, कोर टाइप इज यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी एंड कोर लेस टाइप यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, दिस क्वेश्चन फॉर आज इन एग्जाम। अब उसके बाद क्या है, कोर टाइप के भी अपने सब टाइप है, क्या क्या, डायरेक्ट कोर टाइप, वर्टिकल कोर टाइप एंड इनडायरेक्ट कोर टाइप। तो ये जितने भी टॉपिक है बेटा मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक, लेट्स मूव। तो बेटा ये वाला जो
एग्जाम्पल है, ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज डायरेक्ट कोर टाइप. ओके गाइस, डायरेक्ट कोर टाइप. तो डायरेक्ट कोर टाइप में आप देखो बेटा, हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, वी यूज ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, यहां पर ये आयरन कोर है, दिस इज अवर सेकेंडरी साइड. ठीक गाइस, दिस इज अवर सेकेंडरी साइड्स, दिस इज अवर सप्लाई. ओके, अब यहां पर देखिए इंडक्शन में एक बात याद रखना बेटा, इंडक्शन के अंदर आपको सिर्फ एसी सप्लाई ही यूज करेंगे, एज वी नो दैट ट्रांसफॉर्मर इज नॉट वर्किंग ऑन डीसी सप्लाई. तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने माइंड में याद रखना है. तो यहां जो ये जो चार्ज हीट होगा, किसकी वजह, कौन सी साइड की वजह से होगा, सेकेंडरी साइड की वजह से होगा. ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड्स आर कपल्ड विद ए वीक मैग्नेटिक कपलिंग. वीक मैग्नेटिक कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग. ओके गाइस, वीक मैग्नेटिक कपलिंग यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो मैग्नेटिक कपलिंग है डियर, वो क्या होगी, हमारी वीक होगी. ठीक, ओके. तो यहां पे कहने का क्या मतलब है, जब वीक कपलिंग होगी तो जो लीकेज फ्लक्स होगा, लीकेज फ्लक्स वैल्यू इज हाई, और जब ये हाई होगा तो मेरा लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, एज वी नो दैट दिस वैल्यू इज हाई, तो इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस भी हाई होगा और अपना हमारा ये रिएक्टेंस की वैल्यू भी हाई होगी. सो टू रिड्यूस्ड और कंपनसेट दिस लीकेज रिएक्टेंस वी यूज्ड लो पावर सप्लाई. तो एक क्वेश्चन यहां से अराइज होगा कि डायरेक्ट कोर टाइप के अंदर किस टाइप की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं. सॉरी, लो पावर सप्लाई मैंने लिख दिया यहां पर गाइस, आई विल मेक इट क्लियर, इट इज लो फ्रीक्वेंसी इन सप्लाई वी यूज. सो वी ऑपरेट दिस एट लो फ्रीक्वेंसी अराउंड 10 हर्ट्ज. कितना, अराउंड 10 हर्ट्ज. सेकेंड पॉइंट क्या बेटा, इफ, एक मिनट में इसे ऊपर कर देता हूं, शायद यहां कैमरा आएगा. इफ सेकेंडरी हैव नो चार्ज, सो नो इंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस. इंडक्शन हीटिंग टेक प्लेस. ओके गाइज, नाउ यू विल गेट द एग्जैक्ट सिनारियो. अगर यहां पर बेटा चार्ज नहीं होगा तो ये जो सेकेंडरी है इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट, तो यहां पर कोई भी हीटिंग नहीं होगी. तो इस डायरेक्ट कोर टाइप हीटिंग में यहां पर चार्ज होना सेकेंडरी में बहुत जरूरी है, तभी हमारा क्या होगा, जो इंडक्शन हीटिंग है वो टेक प्लेस हो पाएगी. ठीक गाइज, दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, आप इसे माइंड में रखिएगा कि करंट डेंसिटी अगर 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर हाई. ठीक, तो इनकी वजह से क्या होता है बेटा, एक पिंच इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. कौन सा इफेक्ट, पिंच इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मेटल के अंदर, मेटल में वॉइड या एयर बबल प्रोड्यूस होना.
क्या होना, मेटल में जो हम चार्ज बना रहे हैं तो उससे जो मतलब पहले पिघलेगा उसके बाद हमारा क्या होगा, मेटल बनेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, वॉइड्स हो जाएंगे, एयर बबल आ जाएंगे, तो इसी को पिंच इफेक्ट कहते हैं। और ये क्यों होता है, जब करंट डेंसिटी हाई होगी तो इसे रिड्यूस्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, पिंच इफेक्ट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, पिंच इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इफ वी यूज लो फ्रीक्वेंसी देन द इफेक्ट ऑफ पिंच इफेक्ट इज लो। तो प्लीज गाइस इसे माइंड में रखना याद, ये क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप इसे ये आंसर देंगे कि हम लो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि हम वहां पर लीकेज रिएक्टेंस को भी कंपनसेट करते हैं और पिंच इफेक्ट को भी कंपनसेट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा वर्टिकल कोर टाइप, वर्टिकल कोर टाइप हीटिंग, वर्टिकल कोर टाइप हीटिंग, ठीक है गाइस, वर्टिकल कोर टाइप। तो इसे क्या कहते हैं, एजेक्स, इसका एक और नाम भी है बेटा एजेक्स, एजेक्स वॉट फर्नेस, ठीक। सो इंपॉर्टेंट क्या बेटा इसके अंदर, अभी तक जो आपने पूरा प्रोसेस देखा वो पूरा का पूरा क्या था, हॉरिजेंटल था। अब क्या है इसके अंदर, हमने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं, मतलब जो डायरेक्ट कोर हीटिंग थी उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो मैं आपको बता चुका हूं, तो उन्हीं को रिमूव करने के लिए हमने क्या काम करा, वर्टिकल कोर टाइप बनाया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट्स, तो ये इंप्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं, इंप्रूवमेंट ओवर द डायरेक्ट डायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस, कोर टाइप फर्नेस फर्नेस टू ओवरकम ओवरकम द सम ऑफ डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेंशन्ड इन डायरेक्ट कोर टाइप मेथड, डायरेक्ट कोर टाइप मेथड, कोर टाइप मेथड, ओके गाइस। तो इसे आप अपने माइंड में याद रखिएगा, यहां पर पिंच इफेक्ट जो होता है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हें रखना याद, पिंच इफेक्ट्स नॉट क्रिएटेड। तो प्लीज इसे याद रखना कि वर्टिकल कोर टाइप के अंदर पिंच इफेक्ट हमारा नहीं होता, लो लीकेज रिएक्टेंस, लो लीकेज रिएक्टेंस एंड हाई पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, हाई पावर फैक्टर मिलेगा ड्यू टू हाई मैग्नेटिक कपलिंग, हाई मैग्नेटिक कपलिंग। सो गाइस जाहिर सी बात है जितना अच्छा कपलिंग होगा उतना ही हमारे को क्या करना पड़ेगा, लेस अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करना पड़ेगा सप्लाई से फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो इंप्रूव होगा। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि कितना, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट पावर फैक्टर। तो गाइस मैं यहां पर आपको लिख के दे देता हूं, 0.8 टू 0.83 हमारा पावर फैक्टर होगा। तो इसका यूज कहां करते हैं हम, वी यूज दिस इन मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग, मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग द ब्रास एंड नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल।
इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक गाइस, तो मैंने आपको यहां सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि जो प्रॉब्लम डायरेक्ट कोर टाइप में होती थी वो इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, बाकी ये डायग्राम है फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर द सिनारियो ऑफ एग्जाम। हमें इतना डेप्थ में जो मेन पॉइंट्स हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है एज कंपैरिजन टू द वर्किंग। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, ये क्या है गाइस, इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। तो इंडक्शन में भी दो टाइप है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट फर्नेस, इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। सो यहां पर आप देखिए प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड कोर है। ठीक गाइस, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी साइड, इट एक्ट एज ए कंटेनर इटसेल्फ, कंटेनर इटसेल्फ। ओके गाइस, तो यहां पर आके आपका क्या होगा, चार्ज, यहां पर आके चार्ज आएगा आपका। ठीक, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहां पर ये सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं कोर से। ठीक है, सो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर इंटरलिंक्ड विथ कोर। ठीक है, कोर के साथ हमारी क्या है, ये इंटरलिंक्ड है। तो यहां जो हीट ट्रांसफर होगी बेटा चार्ज में, तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रांसफर इन चार्ज बाय सेकेंडरी साइड इज रेडिएशन मोड, इज बाय रेडिएशन मोड। ओके गाइस, इज बाय रेडिएशन मोड। ठीक है, ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। पावर फैक्टर पावर फैक्टर इज अराउंड 0.8। ठीक है गाइस, सो गाइस होगा क्या, यहां पर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ, क्या है, इफ कोर लॉस इज इंक्रीज्ड, जाहिर सी बात कोर लॉस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, तो हमारा जो मैग्नेटिज्म है कोर के अंदर वो क्या होगा, धीरे धीरे लूज होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म हमारा क्या होगा, लूज होगा। जब मैग्नेटिज्म लूज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जब रिड्यूस्ड होगा तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, कट ऑफ द सप्लाई, ठीक है, टू कंट्रोल द टेम्परेचर, टू कंट्रोल द टेम्परेचर, मतलब सिंपल सा कोर लॉस, भाई जाहिर सी बात है जब ट्रांसफार्मर एक्शन होगा तो कोर का क्या होगा, लॉसेज होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डीमैग्नेटाइजेशन होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जो होगा
वो रिड्यूस्ड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई से कट करना पड़ेगा, ठीक है, अपना ट्रांसफॉर्मर को, ठीक। तो इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है गाइस, कोरलेस टाइप फर्नेस। सो यहां पे बेटा देखो, ये कंटेनर, दिस इज चार्ज, दिस इज रिफ्रैक्टरी फैक्ट्री क्यूरिसिबल, ठीक। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं बेटा, दीज आर द होलो कॉपर कंडक्टर, ठीक है, दीज आर द होलो कॉपर कंडक्टर। इनका यूज क्यों होता है, दे आर यूज फॉर कूलिंग पर्पस, दे आर यूज फॉर कूलिंग पर्पस। तो इसमें क्या होता है, दिस इज सिंपल फर्नेस इन विच हीट इज डेवलप्ड, हीट इज डेवलप्ड इन चार्ज बाय एडी करंट फ्लो थ्रू इट। ओके गाइस, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। तो यहां जो सेकेंडरी साइड होता है हमारा, इट इज मेड ऑफ कंडक्टिंग कंटेनर, ठीक है, वेदर इट इज मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग कंटेनर, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। ऐसा क्यों है बेटा, इट विल डिपेंड ऑन द व्हाट टाइप ऑफ चार्ज दैट यू आर यूज्ड। हमारा चार्ज कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एज वी नो एडी करंट हमारा क्या होता है, डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू बी एम स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर जब इसका नाम ही कोरलेस है, तो जो फ्लक्स डेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, लो हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन दिस नेम ही कोरलेस है, तो यहां पर क्या होगा, ये कम होगी। लेकिन हमें क्या करना है, एडी करंट, अब जब हमें हाई चाहिए तभी हमारी हीटिंग डन हो पाएगी, जब एडी करंट हाई होगा, ठीक है, एडी करंट लॉसेज हाई होंगे हमारे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई फ्रिक्वेंसी को यूज्ड करना पड़ेगा, हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था, कोरलेस टाइप फर्नेस आर यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी, पहले ही मैंने स्लाइड में बताया था, जब इंडक्शन हीटिंग आपको बताई थी, ठीक है। नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, देखिए बेटा, जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा, कोरलेस टाइप आर यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक गाइस। ठीक, सो एक पॉइंट और यहां पर डिस्कस करते हैं आपसे, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो स्किन इफेक्ट भी हमारा ज्यादा होगा, स्किन इफेक्ट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग इज इंक्रीज्ड, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, स्किन इफेक्ट ज्यादा, स्किन इफेक्ट ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज्ड होगा ड्यू टू दिस स्किन इफेक्ट, ठीक है।
तो उसे कूल करने के लिए मैं क्या करूंगा, होलो कॉपर कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। कॉपर कंडक्टर कह लीजिए या कहीं पे आपको ट्यूब भी मिलेगा, तो बोथ आर राइट। तो देखो मैंने बहुत अच्छे से पूरा पॉइंट आपका यहां पर क्लियर कर दिया है, ठीक है गाइज। तो एक रिक्वेस्ट, शेयरिंग करना। आप वीडियो देखते हैं और शेयर नहीं कर रहे, कुछ बच्चे हैं, अक्षय है, अक्षय ने इतना अच्छा कमेंट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चे, ठीक। तो प्लीज अपने ग्रुप में अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, मैंने देखा है, आप बोलते हैं कमेंट में अच्छा, ठीक है। तो प्लीज गाइज शेयर करें और क्रिएट्रिक्स टीम को सपोर्ट करें। सो गाइज लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द एक्चुअल पिक ऑफ कोरलेस इंडक्शन फर्नेंस, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए गाइस। तो देखिए दीज आर द होलो कंडक्टर्स वी यूज्ड, आप यहां पे देख लीजिएगा, ठीक। तो आगे फर्दर मूव ऑन करता हूं मैं, ये बस मैंने दिखाने के लिए आपको बताई थी। देखिए यहां पर चार्ज आपका पुट होगा, यहां पे चार्ज रखेंगे, ठीक, और आप यहां पर सप्लाई देंगे, तो अंदर चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, गर्म होगा। उसके बाद सारा चार्ज जो भी मोल्टन होगा वो इस प्लेस से हम ले लेते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीटिंग इज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी का बनता है, व्हाई वी यूज्ड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इट इज यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हीटिंग। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए मैं यूज करता हूं डायलेक्ट्रिक हीटिंग का, ठीक है, ठीक है। चाहे वो फूड प्रोसेस हो आपका, वुड हो, प्लास्टिक हो, एग्जांपल दे देता हूं मैं आप, हालांकि मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूं, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, फूड आर द एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में बेटा, हम जानते हैं कि जब कैपेसिटिव, जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें जो करंट होती है वो लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री, बट ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे हमारे जो डायपोल्स होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से हमारे जो डायपोल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, देयर इज ए फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो हीट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम इस कॉम्पोनेंट के साथ दिखाते हैं, रेजिस्टिव कॉम्पोनेंट के साथ, which is in phase with voltage. So guys, dielectric heating का अगर formula की बात करी जाए आपसे, पहले तो frequency देख लेते हैं सबसे important exam के लिए। Books में अगर 10 to 15 hertz दिया है तो भी right है, और exam में अगर 10 to 40 megahertz आता है तो भी right है। Voltage 20 kilovolt, ठीक गाइस। तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचा दो, वायरल कर दो, डियर। तो वोल्टेज कितना, 20 किलोवोल्ट, कहीं कहीं एग्जाम में 1.5 किलोवोल्ट भी दिया हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या होगा, आपका XC क्या होता है, 2 पाई FC, सो पावर लॉस XC और cos phi कैसे आया, रुको मैं बताता हूं इस पूरी चीज को अच्छे से लिखते हैं, जब कर ही रहे हैं तो।
बेटा पावर निकालना हमें P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है एसी में, तो वोल्टेज करंट V बाय एक्सी दिस इज कॉस फाई, ठीक। तो हेयर V स्क्वायर नीचे क्या आएगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, यहां कॉस फाई, तो P इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, V स्क्वायर 2 पाई एफ सी cos phi, बट यहां पर phi जो है एंगल, तो ये बेटा ये पूरा एंगल कितना हुआ, दिस इज 90 डिग्री, ओके गाइस, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, दिस phi एंगल जो होगा हमारा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, phi बराबर phi प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड phi इज इक्वल्स टू 90 माइनस डेल्टा, तो इसे पुट कर देते हैं यहां, v स्क्वायर 2 पाई एफ सी इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस डेल्टा कितना हो जाएगा, sin डेल्टा, सो डेल्टा एंगल इज स्मॉल, डेल्टा इज स्मॉल एंगल, तो इसे कैसे रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली साइन डेल्टा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा, सो पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टू पाई एफ सी डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टू पाई एफ सी डेल्टा, ठीक गाइस। तो इफ आई यूज्ड high frequency, if I used high voltage, so the power drop या power losses across this dielectric medium is increased and this increased power या loss of power we represented as heat, okay, we will represented as an heat, तो dielectric heating के अंदर सबसे important बात आपसे पूछा जाता है power factor का nature कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर इट्स लीडिंग इन नेचर, तो बस इतना पॉइंट डायलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए मोर देन सफिशियंट है, एग्जांपल वुड प्लास्टिक फूड, ठीक है मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको एक बार, डायलेक्ट्रिक हीटिंग आर यूज्ड फॉर फूड, ठीक है, वुड पेंट, सॉरी पेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, स्विंग, ठीक है, प्लास्टिक, सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर यूज ऑफ डायलेक्ट्रिक हीटिंग, सो गाइज इतना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने जितना इलेक्ट्रिकल हीटिंग का पूरा सिलेबस यहां मैंने आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, बट द रीजन इज दैट दिस इज नॉट मोर देन सफिशियंट, देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ यहां शेयर करना चाहूंगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, एग्जाम को क्रैक करना, पेपर तो हमें लिखना नहीं है, क्योंकि मुझे पता बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट को तो बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है, तो यहां पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट है, आर्क हीटिंग, ओके, फिर आपका इंडक्शन हीटिंग, फिर आपका डायलेक्ट्रिक हीटिंग, तो बेटा डायलेक्ट्रिक हीटिंग में तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता चुका हूं, कीप इन माइंड फ्रीक्वेंसी हाई, वोल्टेज हाई, फ्रीक्वेंसी रेंज 10 टू 40 या 50 मेगाहर्ट्ज, वोल्टेज रेंज 20 केवी या 1.5 केवी, ठीक है। नाउ कम टू द इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल,
whether material is magnetic or non-magnetic. Keep in that mind, magnetic. Power factor का nature कैसा होगा induction में? Already know that it is lagging in nature. Lagging in nature. ठीक है guys? Lagging in nature. Second point हमें क्या याद रखना है? जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर वो आपको याद रखनी है 10 टू 400 किलोहर्ट्ज़. ठीक गाइस, इंडक्शन हीटिंग इज यूज्ड फॉर हीट कास्टिंग ऑफ मेटल. ठीक है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग. ठीक है, नाउ कम टू द आर्क फर्नेस. ठीक है, इन डायरेक्ट आर्क फर्नेस वी यूज्ड हाई करंट. ठीक गाइस, नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज वेरी लो. एज कंपेरिजन टू ऑल दीज पावर फैक्टर इसका जो होगा लो पावर फैक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, प्लीज इन्हें अपने माइंड में रखिएगा. नेक्स्ट है आर्क फर्नेस एनवायरमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. ठीक गाइस, नेक्स्ट है I already told you that कि indirect arc furnace are used for non-ferrous metal. ठीक, these are the important points that I am डिस्कस विद यू. ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, पावर फैक्टर कितना होगा, एट व्हाट पावर, यहां कर देता हूं मैं ऊपर, एट व्हाट पावर फैक्टर आर्क हीटिंग इज सुटेबल. तो अंडर रूट 1.2 लैग या